अब सबसे पहले हम ले रहे हैं मैगी। भी मत बना वो ना करेगी। मम्मी सॉरी, मेरा नहीं था ये तीनों गलत वाली रसोई खराब। जिस पे ये रुका ढक्कन वो धोएगा बर्तन वो वाले। दो दिन से हूँ हॉस्पिटल में, अचानक तबीयत खराब हो गई थी। घर का पूरा काम भाई को करना पड़ता है, तो अब उसे पता चलेगा कि मेरे को कितना काम करना पड़ता है जब मम्मी चली जाती है। ज्यादा बोर हो रहे हैं सच में यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो भाई आज ये हमारे साथ अरुण है, और कहाँ जा रहे हैं बताओ? मैगी लेने। मैगी लेने जा रहे हैं यार, बोर हो रहे तो सोचते मैगी वैगी खा लेते हैं। घर पे कोई है नहीं, ना मम्मी है ना खुशी है, तो हम मैगी भी ले ली और मैगी मसाला। सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर भाई भानु भाई सब्सक्राइबर है। हाँ वीडियो बना रहे हैं। चलो भाई मैगी भी ले ली, अब बनाएंगे घर पे मैगी, और मैगी मसाला भी इसने अलग से लिया है। अरे पैसे की कमी नहीं है कोई, पैसे की कमी नहीं है। अभी बड़ा नोट निकल गया बताऊँ। देखो भाई यहाँ पे डिस्कस चल रहा है कि इसमें क्या डाले। वो कह रहा कोल्ड ड्रिंक पीने की, और ये कह रहा 20 रुपए का पनीर लिया हो। अब स्वाद आएगा भाई, क्या करके जूस पिला दू मौसमी का। मौसमी का अभी पिलाएंगे। क्या लाना बताओ, जल्दी बताओ फिर। अरे लाहौरी जीरा लिया होगा। देखा लाहौरी जीरा, मजा नहीं आएगा। चाय बनवा लेते हैं। चाय बन तो रही है, दूध की चाय चाय बनवा लेते हैं। और दूध मंगवा लेते हैं ना, दूध तो रखा है। भी सो रही है, भी सो रही है। जल्दी बताओ क्या, लाहौरी जीरा चाय या पनीर? ये खुद कन्फ्यूज है, मंगवाना क्या? जल्दी बताओ क्या मंगवाना है। लाहौरी जीरा, लाहौरी जीरा लिया। खुशी दीदी गई मैं पार्टी। क्या कर रही थी, स्नैप क्या रही थी? अभी स्नैप भेजेंगे, पहले बना लेंगे। अरे वो पिक्चर कृष्णा मॉडल करके स्नैप भेजी थी, अभी अभी देखी मैंने भाई। वो ना स्नैप भेज रही, लिटिल स्टार वो लिटिल कृष्णा देख रही है, ठीक है, और चाय की बना के भेज रही स्नैप। तो कह रहा है हम भी स्नैप भेजेंगे उसकी। बताओ लाने का, ड्यू लानी है, स्प्राइट लानी है, कुछ भी लिया भाई। यार मेरे को तो पता ही नहीं क्या क्या सही लगेगी, तुम देख। डर है ये लोडा, बस ड्यू लिया आगे समझ जाओ। यार खुशी और मम्मी घर पे है नहीं, घर पे कोई है नहीं, इसलिए बोर भी हो रहा था, तो अभी लिया है। पार्टी वार्टी करेंगे, कह रहे पार्टी करने की। पार्टी क्या भाई बनाएंगे पार्टी को, तो कौन सा जश्न हो रहा है कि ना। खुशी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मम्मी भी वहीं पे हैं। सौरभ को बीच में रस्ते में मिल गया, क्या हुआ था सौरभ के साथ? सौरभ किसी काम से जा रहा था। हाँ तो हमने बीच रस्ते में पूछ लिया कि क्या हाल है, तो हमने पूछी पैसे से बढ़े, तो कह रहे ले 50 करोड़ दे दिया, फिर 20 करोड़ दे दिया उसके पैसे से। जा रहे स्प्राइट लिया, एक और ये लिया, एक और मैगी लिया। शैतान का नाम लिया, शैतान आज ही अबू को सिखा लिया, सिखा लिया। चल बना के खिला जल्दी, तभी पैसे मिलेंगे। हेलो तो यहाँ पे अब अरुण बनाएगा मैगी सबके लिए। झूठे मुनि बना लेते भाई, हमारे झूठे मुनि बनाते भाई। अब सबसे पहले हम ले रहे मैगी। भी मत बना वो ना करेगी। लीलाब भाई देखो, सूखी मैगी डाल रहा है और पानी मांग रहा है। जल्दी ला पानी लिया भाई, नहीं तो मैगी मैगी की जगह जमे बन जाएंगे। कौन लड़की कहती है कि लड़कों को खाना बनाने आता है? सब कुछ आता है, देखो ना काम निकल रहा है भाई। मुझे लगता है मैगी बनाने कुछ और तहलका भाई, मेरी आज मैगी नहीं बनेगी, तहलका मैगी बनेगी, तहलका। मम्मी सॉरी, मेरा नहीं था ये तीनों गलत वाली रसोई खराब। आज मम्मी मारेंगे मन मैगी होटल बनाई को। मैं चेक तो करके देख लेते एक बार। चक्के देख रहा ये बचा ना चाटी हो। मैगी पहले लगा लगा। अरुण यहाँ बैठ के मैगी बना रहा है, और ये भूल गया से पापा का फोन आया था। मैगी क्या बना दिया ये क्या है? अब बन रही है अभी, कुछ तो बन रहा है, जो बंदा कुछ तो बन रहा है। साफ से खाने के बाद दस्त नहीं लगेंगे जी, होते नहीं। ओ भयंकर लाजवाब से नहीं डलता। अबे नहीं भाई, ऐसे नहीं कैसे थी, क्यों ऐसे करके ऐसे? अजी नमक चला देता, पानी सूख गया, पानी सुखा दिया। जेल से भागा हुआ कैदी भाई, ये बोल रखी हुई है मक्खन मक्खन चाट रहा, मक्खन चाट रहा। बताओ यार तो भाई देखो, इन सब ने तो अपने एक में कर ली, क्योंकि झूठा उठा खा लेते भाई, मैंने लग लिया क्योंकि झूठा नहीं खाता।
अरे देखो इसका जादू, एक जादू देखो, देखो पूरा ग्लास भर गया। अब ये अब मैंने ये रख ली अलग, ठीक है ये अलग हो गई, अब ये कम हो रही है तो उसमें मेरी गलती है कोई? देख लो खुद ही, अब देखो मैंने पूरी करी थी, अब तुम्हारा ग्लास इतना बचा, मेरी गलती कोई? तो इसमें और कर दो। नहीं और नहीं भाई रखिए कोल्ड ड्रिंक, मतलब ढकाल नहीं रहे भगवान चोरी नहीं करते। बाबा जी गैर मत देना, बताओ बेचारी की मैगी भी नहीं छोड़ी, उसके साथ में लग गए। अब क्या कर रहा है? इन लोगों ने मैगी खा ली, अब इनमें लड़ाई हो रही है कि कौन बर्तन मांजेगा। अर्तन क्या कह रहे हो बताओ, क्या वो मांजेगा? सुनो अरे मेरी सुनो, बकवास मत। जिस पे ये रुका ढक्कन वो धोएगा बर्तन, वो वाले अर्तन बर्तन नहीं बर्तन, ठीक है? चलो जय माता दी। तो गाइस अरुण धो रहा है बर्तन, देखिए आइए बर्तन धोने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन है, बहुत मजा आ रहा है। बर्तन धोने में नहीं आते बेचारे, मेरी बहू तो घुस रहेगी मेरे से, कहेगी आएगी भी बिगड़ रहा है आपका लड़का, यू कहेगी सारे काम तो यही देखती भी लो आंटी साहब, देख बस तो आंटी देख लो बिगड़ रहा है आपका लड़का। मम्मी को क्या, मम्मी तो खुद चाहती है कि ये मैं काम करूं बस, मम्मी तो खुद चाहती है मेरे को जल्दी से काम से फुर्सत मिले, बहू आया है। भाई हाँ भाई कैसा लग रहा है बर्तन बर्तन मांज के? बस क्या है रोज का है ना, रोज का है। और कितना टाइम लगा दिन मांजने? आधा घंटा हो गया रोज का, एक एक घंटा। उसमें भी बेचारा परेशान हो रहा, बार बार बाहर आ रहा है गाना वाना लगाने के लिए। दोबारा मैगी बन जाती, दोबारा मैगी बन जाती इतनी देर में, कोई नहीं अटकी सी रहा भी बनी हो, पता लग जाएगी धो क्या, मैं दोबारा गंदे करके धोता हूं, ये मत क्या है घर धोता आप पटक दो हाथ में यार, मैं तो यार नहीं 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 मानने लग गया। ओए ओए रहने दो, ओए रहने दो, मजाक कर रहा हूं। कहां है तेज, मतलब खूब मजे कर लिए, अब जा रहे घर पे। चार्जर दे दो, मेरा चार्जर, चार्जर ले लो ना, कहाँ रखा पहले इसका चार्जर दो, ये लो तुम्हारा चार्जर। बाय करो, बाय 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 बाय। भाई यार पता नहीं कब आएंगी मम्मी और खुशी, और आज पता तीसरा दिन है जो घर पे मैं अकेला हूँ ऐसे, और पता यार घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, शान शान सा ऐसा लग रहा था, नहीं क्या है अब क्या बताऊँ, देखो सब खाली खाली सा लग रहा, कोई है ही नहीं यहाँ पे, ना ऊपर है ना यहाँ पे है। और अब मैं अपने लिए खाना भी बनाऊंगा ऊपर जाके, यार पर मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी घर में, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना। और मम्मी होती तो अच्छा भी लगता है थोड़ा यार, मम्मी होती ना तो अच्छा भी लगता है, कॉमेडी वॉमेडी करते रहो, कुछ पंगेबाजी करते रहो। और पता मम्मी का खुद ही फोन आ जाएगा, हाँ भाई कैसा लग रहा है, साफ सफाई कर ली, बर्तन वर्तन मांज लिए, मतलब यार पता मैं मांजता वांजता नहीं, वो होते खुद ही कर लेते हैं, अब वो नहीं है ना तो मुझे करना पड़ता मम्मी मेरे को, मतलब कह रही है और भाई कैसा लग रहा है हमारे भी घर, आ रही खुशी की याद, क्योंकि खुशी करती है बर्तन वर्तन वही मांजती है, मैं उसी पकड़ा देता था, अब मुझे अकेला करना पड़ रहा है ना तो मुझे बहुत भारी लग रहा है यार, खुद के बर्तन मांजने में भी भारी लग रहा है, अलकस भी आ रहा है। तो चलो अपने लिए खाना भी बनाना ऊपर जाके, अब खाना बनाऊंगा, खाने में सोच रहा हूँ पापा ने कल होटल से खाना मंगाया तो उसमें सब्जी बच रही है, तो सब्जी वो काम आ जाएगी, और इसमें आटा गूंथा रखा हुआ है तो आटा गूंथा हुआ है ही, तो रोटी बना लूंगा, और ये होटल से कल सब्जी आई थी पापा लेके आए तो बची हुई है, इसे गर्म करके खा लूंगा। पूजा वूजा सब कर ली थी मैंने, पूजा भी कर ली थी और साफ सफाई सब कर ली, अब पता सब कुछ अपने खुद करना पड़ रहा ना, अब पता चल रहा भाई कितना मतलब काम होता है। और पता है उनका भी वहां पे मन नहीं लग रहा, अभी मेरी खुशी से बात हुई थी, मतलब उसे भी ना घर की याद आ रही है, घर आना जल्दी से, तो इनने वीडियो बना के भेजी है, वो आप ये देखो। गाइस राधे राधे आप सभी को, तो मैं यहाँ पे दो दिन से हूँ हॉस्पिटल में, अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो, और यहाँ पे मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा है, और शायद दो दिन बाद मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पे सब अच्छी फैसिलिटी है, बट घर की याद तो घर की आ ही रही है मुझे, और यहाँ पे मम्मी भी मेरे संग, राधे राधे। मम्मी और मैं दोनों यहाँ पे बोर हो रहे हैं, वैसे तो टीवी भी चल रहा है, फोन भी है, सब कुछ मतलब सुविधा सारी है, लेकिन घर जैसी सुविधा यहाँ नहीं है, और मैं भी बोर घर का आराम से लेते रहते अपना काम करते रहते हैं, मतलब यहाँ पे काम ही नहीं है भाई, उठो बैठो, मतलब नाश्ता पानी आ जाता है अपने आप ही, और करो
फिर लेट जाओ फिर बैठ जाओ। और घर पे हमने अपने भाई को और पापा को छोड़ा, वो दोनों अकेले है और घर का पूरा काम भाई को करना पड़ता है। तो अब उसे पता चलेगा कि मेरे को कितना काम करना पड़ता है जब मम्मी चली जाती है, वही इतना सारा काम करना पड़ेगा। और इसको क्या परेशानी थी क्या नहीं वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। अमन की क्लिप में जाएगा ये छोटा सा ब्लॉग, बस ये बताना था, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देना था कि खुशी की तबीयत खराब हो रखी है, हमारे इसका ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा है। बाकी तो आपको पता चल गया होगा कि घर पे क्या कर रहे हैं भाई, मैगी वगैरह बना रहे हैं। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे पीछे सही है बेटा सही है, मैं भी आऊंगी, मेरे को भी ज्वाइन करना। मैं यहाँ से स्नैप भेज रही हूँ, मुझे वहाँ से स्नैप भेज रहे हैं, बस दोनों में इस चीज के लिए ना खाने पीने के ऊपर हो रही है। तो यहाँ से खाना भेजती है, वहाँ से खाना पीना भेज रहे हैं कि और जल्दी दीदी सही होके घर आ जाओ, अब दो दिन और कैसे ना कैसे कट जाए फिर चलेंगे अपने घर। बाकी तो बहुत बहुत ज़्यादा बोरियत लग रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि अभी कभी इस तरीके से रहे ही नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं सच में यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यहाँ पे मेरा खाना आ गया है, लंच दोपहर का टाइम है, लंच आ गया है, जिसमें है आलू बैगन, घिया, दही, चावल, थोड़े से सलाद और रोटियाँ इसमें, और इसमें दाल। तो यहाँ पर लंच करती हूँ, आप भी खा लीजिए। चल ठीक है, जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा, वीडियो बनानी है, तेरे चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहे, अपनी शॉर्ट्स खाना दिखा रही है मुझे और चिढ़ा रही है, पता है मुझे खुद बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। मम्मी यार जल्दी आ जाओ। गाइस बताओ रोटी मेरी सही बन रही है ना, एकदम गोल, मतलब पूरी गोल तो नहीं हो रही पर सही है ना। और ये रही सब्जी, तो भाई मम्मी बना लेता हूँ मैं रोटी, बस तुम्हारे आगे दिखाता हूँ कि नहीं आता, क्योंकि फिर पता ना तुम मुझसे बनवाओगी। भाई मम्मी ऐसी चीज होती है, आप एक बार अपनी मम्मी को ना चाय बना के दे दो ठीक है, फिर भाई तुमसे हर बार मम्मी तुमसे ही चाय बनवाएंगी, चाहे कोई रिश्तेदार आया चाहे कोई आया, इसलिए मैं अपनी मम्मी आगे काम नहीं करता। अब आती है कमेंट की बारी, तो सबसे पहले है मुस्कान देवल, लड़का अपने प्यार को लेकर अभी से ही लॉयल है। हाँ यार सच्ची में लॉयल है इस चीज में, क्योंकि यार बंदा मतलब किसी को किस करने से या आई लव यू बोलने से बहुत शर्माता है, मतलब ऐसा लगता कितना बड़ा हो गया, मैच्योर्ड हो गया कितना, सच्ची में भाई। वैभव शर्मा, शानू ये समझती नहीं मेरी बात को। हाँ यार बोलता ऐसे रहता, समझती नहीं मेरी बात को, मतलब उसको बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है। पूनम चौहान, सुपर भाई थैंक यू, बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका वीडियो में नाम लिया जाए तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।